Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 20. So humne last video mein padha ki how can we get a basic idea about our data. theek hai, maine aapko 7 questions bataye jo aap pooch sakte ho jab aap pehli baar data ko dekh rahe ho. theek hai, ab hum log aaj ke video mein ek bahut important cheez start karenge jisko bolte hain EDA, which stands for exploratory data analysis. theek hai, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पूरा पर्पस होता है डेटा को इन एंड आउट समझना. ठीक है, और वो करने के अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीके होते हैं वो होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. ठीक है, आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूनिवेरिएट एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो गाइज, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टर्म इटसेल्फ कि यूनिवेरिएट एनालिसिस का क्या मतलब हो सकता है. सो यूनिवेरिएट में देर आर टू वर्ड्स, यूनी एंड वेरिएट. यूनी का मतलब सिंगल, वेरिएट का मतलब वेरिएबल. सो जब भी आप किसी सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस करते हो दैट कैन बी कॉल्ड एज यूनिवेरिएट एनालिसिस. ठीक है, सो बेसिक मतलब ये है कि जब आपके पास एक डेटा आएगा जिसमें आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे, आप हर कॉलम को एक वेरिएबल बोल सकते हो. ठीक है, सो हर कॉलम का जो आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हो उसी को बोला जाता है यूनिवेरिएट एनालिसिस. अगर आप एक साथ किसी दो कॉलम्स का एनालिसिस करते हो आप उसको बोलते हो बाईवेरिएट एनालिसिस, और अगर आप एक साथ दो से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर एनालिसिस रन करते हो दैट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. ठीक है, इस वीडियो में आर टोटल फोकस, आर एंटायर फोकस वुड बी ऑन यूनिवेरिएट एनालिसिस. हम एक एक करके एक डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है, अब ये चीज पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेटा के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, डेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है, सो न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स, राइट. वन एग्जाम्पल इज लोगों का हाइट या फिर लोगों का वेट या फिर उनका एज या फिर उनके फोन का प्राइस या फिर उनके फोन की बैटरी का कैपेसिटी, ये सब कुछ न्यूमेरिकल डेटा का एग्जांपल है. कैटेगोरिकल डेटा का एग्जांपल हो सकता है कि आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो, नेशनैलिटी, आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, आपका जेंडर क्या है, आपका कॉलेज क्या है, आपका इंजीनियरिंग में ब्रांच क्या है, ये सब कुछ कैटेगोरिकल डेटा है. सो कहने का मतलब बस इतना है कि जब आपके पास एक डेटा सेट होगा तो उसमें कॉलम्स होंगे और वो कॉलम्स या तो न्यूमेरिकल होंगे या तो कैटेगोरिकल होंगे. और यूनिवेरिएट एनालिसिस करते टाइम आपको बस ये सबसे पहला क्वेश्चन करना होता है कि आपके पास जो यूनिवेरिएट मतलब जो आपके पास वेरिएबल है, जो कॉलम है, उसका नेचर क्या है, क्या वो न्यूमेरिकल है या फिर वो कैटेगोरिकल है, और जो भी है उसके हिसाब से हम अपना प्लॉटिंग करते हैं. ठीक है, प्लॉटिंग करते हैं या फिर हम टूल्स यूज करके उसके पीछे का नेचर डिराइव करते हैं. ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं टाइटैनिक डेटा सेट को यूज करूंगा टू एक्सप्लेन हाउ टू डू यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा सेट. मतलब मेरा एंड गोल वुड बी कि आप इस वीडियो के बाद कोई भी डेटा सेट उठाओ और उसके ऊपर यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म कर पाओ. अगर आप ऐसा कर पाए तो फिर ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टाइटैनिक डेटा सेट. ओके गाइस, सो एज यू कैन सी हमने डेटा सेट ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है और ये डेटा सेट आप थोड़ा बहुत अब शायद जानते भी होंगे. अगर नहीं तो फिर आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. इट इज बेसिकली द डेटा सेट ऑफ पैसेंजर्स हु वर ट्रैवलिंग इन टाइटैनिक. और यहाँ पर आपके पास कस्टमर्स एज इन पैसेंजर्स के बारे में सारा डिटेल है. यहाँ पे हर एक रो एक पैसेंजर का डिटेल है और यहाँ पे जो आउटपुट कॉलम है वो है सर्वाइव्ड, वो टाइटैनिक वाला क्रैश सरवाइव कर पाया कि नहीं ये पर्टिकुलर पैसेंजर. ठीक है, जीरो का मतलब नहीं कर पाया, वन का मतलब कर पाया. ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अगर मशीन लर्निंग यूज करना होता तो आपको ये प्रिडिक्शन करना होता है कि गिवन पैसेंजर का डिटेल्स आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो पैसेंजर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, अब ये डेटा सेट आपको जब मिलता है तो ऑब्वियसली आप पहले वो 7 क्वेश्चंस पूछते हो, उसके बाद यू स्टार्ट परफॉर्मिंग ईडीए. और ईडीए में पहला स्टेप होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, हर कॉलम के ऊपर इंडिपेंडेंट एनालिसिस. बेसिकली हर कॉलम को इनसाइड आउट जानना है मुझे. ठीक है, अब
ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क कि मेरे कॉलम्स न्यूमेरिकल हैं या कैटेगोरिकल हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम अपना ईडीए परफॉर्म करते हैं. सो यहाँ पर मैंने एक चार्ट सॉर्ट ऑफ बना रखा है कि हम पहले कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर काम करेंगे. जनरली आप क्या करते हो कि आप इस ऑर्डर में स्टार्ट करते हो लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे कैटेगोरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट अभी सिंस हम पढ़ रहे हैं तो पहले वी विल जस्ट फोकस ऑन कैटेगोरिकल डेटा and then we'll focus on numerical data. ठीक है. So और second चीज, जब आप univariate analysis करते हो तो mostly आपका जो focus रहता है वो होता है graphs वगैरह plot करने में, क्योंकि जो hidden information है data का वो आपको data visualization से ही निकल के आएगा. ठीक है. तो आज का video पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत seaborn और matplotlib का knowledge होना चाहिए. इन दोनों के videos मेरे channel पर हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो. ठीक है. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी का हमारा ये वीडियो का डेटा एनालिसिस. ठीक है. अब लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन कैटेगोरिकल डेटा सेट्स कॉलम्स. ओके. सो यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, लाइक पैसेंजर आईडी, जहां पे पैसेंजर का बेसिकली आईडी एक्स वन एक से लेके होगा कुछ. सेकेंड इज सर्वाइव्ड. थर्ड इज पी क्लास. पी क्लास है पैसेंजर क्लास. सो टाइटैनिक में देर वर थ्री पैसेंजर क्लासेस. वन वाला सबसे एलीट पैसेंजर क्लास था. सबसे रिच पीपल वर ट्रैवलिंग इन दिस क्लास. थ्री थोड़ा नॉर्मल जैसा था. इट्स लाइक इंडियन रेलवेज में जनरल बोगी, स्लीपर एंड एसी, उस तरीके का था. नेम है यहाँ पर, सेक्स है, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है. एज ऑफ द पैसेंजर. एस आई बी एस पी इज बेसिकली सिबलिंग स्पाउस. मतलब ये जो करंट पैसेंजर है, क्या इसके साथ इसका कोई सिबलिंग या स्पाउस ट्रैवल कर रहा था कि नहीं. सो अपेरेंटली ये जो पैसेंजर है इसके साथ एक सिबलिंग या स्पाउस ट्रैवल कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट इज पेरेंट चाइल्ड. इस पैसेंजर के साथ इसका कोई पेरेंट या चाइल्ड ट्रैवल कर रहा था कि नहीं. ठीक है. इसका टिकट नंबर पीएनआर की तरह ले सकते हो. कितना कॉस्ट पड़ा था इसको टिकट का. कौन से केबिन में ट्रैवल कर रहा था. केबिन का एक चीज नोटिस करना, मैंने सिंस इस डेटा सेट पे काम कर रखा है मुझे पता है केबिन सिर्फ फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स को एलोकेट हुआ था, सेकंड और थर्ड क्लास में केबिन्स नहीं थे. ठीक है. नेक्स्ट इज एम्बार्क्ड. एम्बार्क्ड का मतलब ये पैसेंजर कौन से स्टेशन से टाइटेनिक पे चढ़ा था. सो देर आर थ्री स्टेशन, एस सी एंड क्यू. एस मतलब साउथहैम्प्टन, सी मतलब शेबॉर्ग और क्यू मतलब क्वींसटाउन. ये तीन स्टेशन से पैसेंजर्स चढ़े थे. ठीक है. तो ये हमारा डेटा सेट है और अब हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंटली हर कॉलम के बारे में नॉलेज गेन करना है, बेसिकली यूनिवेरिएट एनालिसिस करना है. ठीक है. वी विल स्टार्ट विथ कैटेगोरिकल कॉलम. सो यहां पर इफ यू कैन सी पैसेंजर आईडी इज एक्चुअली अ न्यूमेरिकल कॉलम एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा काम का नहीं है. मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि कौन सा कॉलम्स सर्वाइवल के बारे में बताने में हेल्प करेगा. अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि पैसेंजर आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पैसेंजर बचेगा या मरेगा. आपके कॉलेज में भूकंप आएगा तो आप रोल नंबर से नहीं मरोगे, राइट. सेम लॉजिक यहाँ पे, पैसेंजर आईडी उतना काम का नहीं है. सर्वाइव्ड खुद बहुत काम का है. सर्वाइव्ड इज अ कैटेगोरिकल कॉलम. यहाँ पे जीरो का वैल्यू है या वन का वैल्यू है. ठीक है. पी क्लास इज ऑल्सो कैटेगोरिकल बिकॉज यहाँ पे वन टू और थ्री का वैल्यू है. ठीक है. नेम नेम इज नॉट कैटेगोरिकल, नॉट इट्स एक्चुअली कैटेगोरिकल. इट्स जस्ट यहाँ पे कैटेगरीज बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग ऐसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे. हमें कुछ एनएलपी टूल्स यूज करने पड़ेंगे. तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट इन दिस वीडियो. ठीक है. नेक्स्ट इज सेक्स, विच इज अगेन अपना कैटेगोरिकल. एज इज न्यूमेरिकल. एस आई बी एस पी ऑल दो नंबर्स हैं वो, बट वो कैटेगरी की तरह आप ट्रीट कर सकते हो. सेम गोज विथ पेरेंट चाइल्ड. टिकट इज अगेन कैटेगरिकल विथ टू मेनी क्लासेस. मतलब उस तरह के डेटा को हम एनालाइज नहीं कर सकते. फेयर इज न्यूमेरिकल. केबिन इज अगेन विथ टू मेनी कैटेगरीज. एम्बार्क इज ऑल्सो कैटेगोरिकल. ठीक है. तो मैं आपको सारे के सारे कैटेगोरिकल के ऊपर काम करके नहीं दिखा रहा, वो आप ट्राई करना. मैं आपको कुछ कॉलम्स के ऊपर काम करके दिखाता हूँ, जैसे कि सर्वाइव्ड और पी क्लास. इन दोनों के ऊपर मैं आपको काम करके दिखाता हूँ. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट सर्वाइव्ड, तो सोच के देखो अगर मुझे इस कॉलम के बारे में इंडिपेंडेंटली जानना है, बाकी कॉलम्स को भूल जाओ, सिर्फ सर्वाइव्ड के बारे में जानना है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस चीज का आंसर आपको चाहिए.
सबसे पहले आप ये जानना चाहोगे कि टोटल कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा डेटा डॉट शेप करके। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि कितने लोग सरवाइव किए, कितने लोग सरवाइव नहीं किए, और इसी को हम बोलते हैं काउंट प्लॉट। सो आप क्या करते हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी कॉल्ड सीबॉन एज एसएनएस, और यहां पर व्हाट आई विल डू इज I'll just write this simple code sns.countplot and I will pass df ka survived. And what this will do is, this will give me a count plot. Count plot kya hota hai? Basically, aapke categorical column mein jitni bhi categories hoti hain, un sab ka frequency count bata deta hai ki har category kitni bar aaya hai. Agar aapne value counts padha hoga pandas mein, bilkul same cheez hai. Theek hai? So, yahan par you can see कि आउट ऑफ 891 पैसेंजर्स सिर्फ मतलब कम लोग बचे, ज्यादा लोग मर गए। एक्चुअली मोर देन 500 पीपल डाइड बिकॉज जीरो का नंबर ज्यादा है एंड लेस देन 400 पीपल एक्चुअली सर्वाइव्ड। ठीक है, तो यही आपको सिंपली सामने समझ में आएगा। अगर आप चाहते तो आप ये कर सकते थे कि आप लिखते df survived डॉट वैल्यू काउंट्स, और इसको आप जब रन करते तो ये देखो मरने वाले 549 है, बचने वाले सिर्फ 342 है। अगर आप चाहते तो इसको प्लॉट भी कर सकते थे विथ काइंड इज इक्वल टू बार, और एक्चुअली ये इसके जस्ट ऊपर आ गया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं एंड यू कैन सी कि ये सेम ही ग्राफ है। तो वो काउंट प्लॉट एक्चुअली यही काम कर रहा है कि वैल्यू काउंट निकाल के उसके ऊपर बार चार्ट प्लॉट कर रहा है, दैट इज काउंट प्लॉट फॉर यू। ठीक है, सो एक तो सिंपल बात हमें समझ में आई कि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी कोई कैटेगोरिकल कॉलम दिखाई देता है तो सबसे पहला प्लॉट जो आप उसके ऊपर कर सकते हो वो है काउंट प्लॉट। ठीक है, ये सेम चीज आप किसी भी कॉलम के ऊपर कर सकते हो। लेट्स से आपको पता करना है पी क्लास कि हर कैटेगरी कितनी बार आ रही है, तो आप सर्वाइव्ड के बदले व्हाट आई वुड डू इज इसको कमेंट आउट कर दूंगा मैं, और इसको मैं यूज करूंगा बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट पी क्लास। पी क्लास में सी स्मॉल में है एंड यू कैन सी कि सबसे ज्यादा लोग पी क्लास 3 में ट्रैवल कर रहे थे, सबसे कम लोग पी क्लास 2 में ट्रैवल कर रहे थे, और फिर उसके बाद पी क्लास 1 में ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पे आप एक दो चीजें और कर सकते हो, जब आप थोड़ा और डीप घुसोगे इसमें, आप मीन फेयर प्राइस निकाल सकते हो कि कितना मीन फेयर था तीनों क्लासेस में। उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्यों लोग ज्यादा 3 में ट्रैवल कर रहे थे, क्यों सेकेंड से ज्यादा लोग फर्स्ट में ट्रैवल कर रहे थे। इसका रीजन प्रोबेबली ये हो सकता है कि सेकंड और फर्स्ट के फेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो एंड पीपल थॉट कि यार इतना पैसा जब खर्चा कर ही रहे हैं तो लेट्स गो टू पी क्लास 1 रादर देन गोइंग टू पी क्लास 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको खोजने पड़ते हैं, इनका आंसर आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, सेम यू कैन डू इट फॉर सेक्स टू फाइंड आउट कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था टाइटैनिक पे। सो यू कैन सी मेल ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो चेक दिस फॉर एम्बार्क्ड। सो अगर आप एम्बार्क्ड लिखो यहां पे, तो यू विल फाइंड आउट कि सबसे ज्यादा लोग जो चढ़े थे टाइटैनिक पे देवर फ्रॉम साउथहैम्पटन, और सबसे कम लोग जो चढ़े थे वो क्वींसटाउन से थे। ठीक है, तो यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं कैटेगोरिकल कॉलम्स को उठा करके सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, बस मैं वही कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये सेम इंफॉर्मेशन परसेंटेजेस के टर्म्स में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आप पाई चार्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, पाई चार्ट यूज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट द सेम कोड, बेसिकली यू विल राइट दिस कोड कॉपी एंड पेस्ट, और यहां पे काइंड में यू कैन जस्ट प्लॉट पाई। ठीक है, और ये आपको बता देगा एक पाई चार्ट जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि किसमें ज्यादा लोग हैं किसमें कम लोग हैं। ठीक है, यहां पर एक कोड आपको लिखना पड़ता है, जस्ट वन सेकेंड, मैं वो कोड हमेशा भूल जाता हूँ, पाई चार्ट मैटप्लॉटलिब शो परसेंटेज, यहाँ पे अभी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ऑटो पीसीटी, और ये ऑटो पीसीटी डालने से क्या होता है कि आपको परसेंटेजेस दिखने लग जाते हैं। सो मैं वही सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये कोड,
एंड नाउ यू कैन सी कि आउट ऑफ 100% 61% पीपल डाइड, ओनली 38% पीपल सर्वाइव्ड. अगर आपको पता करना है कि पी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था तो यू कैन राइट दिस कोड एंड यू कैन सी आउट ऑफ 100 55% पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग इन पी क्लास 3 और 20% क्लास 2 में थे और 24% अपने क्लास 1 में थे. ठीक है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है यहाँ पे बस आप सेक्स लिखोगे और ये देखो गाइस 64% मेल, 36% आपके फीमेल ट्रैवल कर रही थी. ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है तो आपके पास यही दो ऑप्शंस होते हैं, इधर यू गो विथ काउंट प्लॉट और यू गो विथ पाई चार्ट. पाई चार्ट बस आपको एक एडिशनल चीज बता रहा है कि परसेंटेज के टर्म्स में कितना चीज एक पर्टिकुलर कैटेगरी को मिल रहा है. ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें तब आती हैं जब आप न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करते हो, जैसे कि एज एंड फेयर. उसी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट फोकस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर के ग्राफ्स पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स डू दैट. सो नाउ गाइज, इफ यू हैव अ न्यूमेरिकल डेटा वाला कॉलम, तो फिर थोड़ा अगर आप सोचो तो आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो एक न्यूमेरिकल डेटा वाले कॉलम से. ठीक है, अगर कैटेगोरिकल था तो बहुत सिंपल था कि सारे कैटेगरीज कितनी बार आए, ये मेरे लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था. बट एक न्यूमेरिकल डेटा कंटिन्यूअस होता है, राइट? जैसे कि एज, उसमें कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं. तो यहाँ पे आपके काम का इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन कितना है, इस तरह की चीजें आप निकाल सकते हो. वो हम निकालेंगे थोड़ी देर के बाद. बट उसके भी पहले व्हाट यू कैन डू इज आप इसको कैटेगोरिकल डेटा जैसा बिहेव करवा सकते हो. और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हिस्टोग्राम का. हिस्टोग्राम में आप क्या करते हो, आप न्यूमेरिकल डेटा का जो रेंज है उसमें आप बिन्स क्रिएट कर देते हो, रेंजेस क्रिएट कर देते हो. जैसे लेट्स से आपके पास जो मिनिमम पैसेंजर एज है वो 0 है, मतलब बच्चा है, और जो मैक्सिमम एज है पैसेंजर का वो 80 ईयर्स है. तो आप क्या करोगे, आप इसके बीच में 8 बिन्स बना दोगे, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, और हर बिन, हर रेंज में कितने पैसेंजर्स हैं उसको आप प्लॉट कर दोगे, उस नंबर को आप प्लॉट कर दोगे, और वही हिस्टोग्राम कहलाता है. तो जब भी आपको कभी फ्यूचर में न्यूमेरिकल डेटा मिले तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कि कितने लोग कम वाली साइड है, कितने लोग ज्यादा वाली साइड है, ये देखने के लिए एक बहुत अच्छा टूल होता है हिस्टोग्राम. ठीक है, तो वही मैं आपको अभी प्लॉट करके दिखाऊंगा. बट आप हमेशा याद रखना, अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है, ट्राई टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम, आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है. ठीक है, सो इसके लिए मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब. ये अगेन आपको मेरे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा. इसको एज पीएलटी में इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम राइटिंग पीएलटी डॉट हिस्ट, हिस्ट एज इन हिस्टोग्राम, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एज कॉलम. ठीक है, और इस कोड को मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ, यू कैन सी मेरे पास ये जो दिखाई दे रहा है ये एक हिस्टोग्राम है. सो यू कैन सी मिनिमम एज इस थोड़ा 0 से ज्यादा, और जो मैक्स एज है वो 80 टच कर रहा है, और उसके बीच में ये मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो यू कैन सी कि डेटा कुछ ऐसा है कि बच्चे एज इन कम एज वाले लोग कम है, बहुत ज्यादा एज वाले लोग भी कम है, और फिर अपना बीच के एज वाले जो लोग हैं, मतलब 18 से लेके आई डोंट नो 40 इयर्स तक के बीच में जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो ये नॉलेज आपको मिलता है अपना हिस्टोग्राम को प्लॉट करके. ठीक है, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप नंबर ऑफ बिन्स चेंज कर सकते हो. जैसे अगर आप बिन्स को बहुत बढ़ा दोगे, ये तो बढ़ाना नहीं हुआ, लेट्स से आपने 50 बिन्स कर दिए, तो आपके जो आपका जो पीक्स होंगे, लाइक बहुत छोटे छोटे रेंजेस क्रिएट हो जाएंगे, तो आपके पीक्स ऊपर जाने लग जाएंगे. और अगर आप इसको बहुत ही घटा दोगे, मान लो 5 कर दिया, तो ये बहुत थिक हो जाएगा, मतलब आपने रेंजेस बढ़ा दिए. ठीक है, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है. एक डिफॉल्ट में मैटप्लॉटलिब आपको करके देगा, बट अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप इस बिन्स वाले पैरामीटर का वैल्यू चेंज कर सकते हो. ठीक है, बट अगेन द होल आइडिया बिहाइंड द हिस्टोग्राम इज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन दैट न्यूमेरिकल कॉलम. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम एज वाले कम लोग हैं, ज्यादा एज वाले लोग भी कम है, बीच के एज वाले लोग ज्यादा हैं, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे अभी मिला. ठीक है, सो दैट वाज हिस्टोग्राम, दैट इज वन ऑप्शन व्हिच यू कैन यूज व्हाइल डीलिंग विद न्यूमेरिकल कॉलम्स. द नेक्स्ट वन इज अगेन एन इम्प्रूवमेंट ऑफ हिस्टोग्राम, इसको हम डिस्ट प्लॉट बोलते हैं. और डिस्ट प्लॉट एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हिस्टोग्राम,
आपको बस इसको प्रिंट करने के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा, डिस्ट प्लॉट डी एफ नॉट सर्वाइव्ड एज, एंड यू कैन सी ये बिल्कुल वही चीज है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। देर इज ओनली वन डिफरेंस कि ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं KDE, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, और पीछे आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है। आप नोटिस करोगे कि ये जो कर्व है ये हिस्टोग्राम को ही टच करते हुए चल रहा है, उसके टॉप को टच करते हुए चल रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। इसको हम PDF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये एक्चुअली क्या बताता है, वाई एक्सिस पे आपका प्रोबेबिलिटी है, एक्स एक्सिस पे आपका एज का वैल्यू है। सो अगर आप इस ग्राफ को समझना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये 40 है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई अगर आप एक रैंडमली एक पैसेंजर को उठाओ सारे पैसेंजर्स में से, और उसका एज बेसिकली आप पूछोगे कि उसके एज का 40 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सीधे 40 को यहाँ पकड़ोगे और ऊपर लेके जाओगे, और यहां से इस वाई एक्सिस पे लेके जाओगे, और आप बोलोगे कि उसका 40 होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1.5%। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 किया मैंने, 1.5%। अगर आपसे कोई पूछे कि 60 होने का, किसी बंदे के एज का 60 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप फिर से वाई एक्सिस पकड़ोगे और आप बोलोगे 0.5%। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी नंबर के होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हिस्टोग्राम आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है कि उस रेंज में कितने लोग हैं, पीडीएफ आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, इसीलिए इसको पीडीएफ बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब ये बहुत काम की चीज है, मैं और ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीवेरिएट एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस और बाइवेरिएट एनालिसिस दोनों हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ प्लॉट विच यू कैन यूज वाइल डीलिंग विथ न्यूमेरिकल डेटा, इट्स कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है ये। इसका काम होता है आपको 5 नंबर समरी देना। ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको शायद पता होगा कि 5 नंबर समरी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये है बॉक्स प्लॉट, ये जो आपके स्क्रीन पर है दिस इज योर बॉक्स प्लॉट। और कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर बॉक्स प्लॉट चला सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको समझना है कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है तो आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले मीडियन क्या होता है। मीडियन आपको पता होगा कि जब आप सॉर्ट कर देते हो अपने न्यूमेरिकल डेटा को तो बीच वाला जो वैल्यू होता है उसको आप मीडियन बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि परसेंटाइल वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि ये जो Q1 है इसको हम बोलते हैं 25 परसेंटाइल वैल्यू, मतलब आपके पास जो डेटा है उसमें वो वैल्यू जिससे बाकी सारी, मतलब जिससे 25% वैल्यूज कम है, लाइक 25% वैल्यूज कम है। जैसे आप कैट में एग्जाम देते हो तो आपके परसेंटाइल्स आते हैं, राइट, तो 99 परसेंटाइल अगर आपका आया इट मींस सिर्फ 1% लोग आपसे आगे हैं, 99% लोग आपसे पीछे हैं। तो 25% का मतलब हुआ कि 25% वैल्यूज इससे कम है, राइट। मीडियन होता है 50%, ये शायद आपको पता होगा। Q3 होता है 75%, मतलब 75% वैल्यूज इससे कम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, अब ये मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू नहीं है जो डेटा में सबसे कम वाला वैल्यू है, नहीं, मिनिमम वैल्यू वो होता है जो आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q1 मतलब 25% वैल्यू माइनस 1.5 टाइम्स IQR। IQR क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब Q3 माइनस Q1, सी दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर आपके पास IQR है, मतलब आपके पास Q1 और Q3 का वैल्यू अगर है तो आप मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। तो अगर आपके पास Q3 है और Q1 है तो आप आराम से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई भी वैल्यू आपके कैलकुलेटेड मिनिमम और कैलकुलेटेड मैक्सिमम से बाहर है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बोला जाता है कि ये है अपने पोटेंशियल आउटलायर्स जो नॉर्मल डेटा को फॉलो नहीं कर रहे। तो 5 नंबर समरी का यही फायदा होता है कि आप बहुत इजिली
पोटेंशियल आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी फ्यूचर में अगर आप थोड़ा भी नॉइजी डेटा के साथ काम कर रहे हो तो आप वहां पे बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करके पता कर सकते हो कि कितना डेटा नॉइजी है, कितना डेटा आउटलायर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी तक हमने फेयर वाले कॉलम को टच नहीं किया। वॉट वी कैन डू इज वी कैन राइट SNS डॉट बॉक्स प्लॉट और यहाँ पे आई कैन पास फेयर वाला कॉलम एंड यू कैन सी दिस इज द बॉक्स प्लॉट फॉर फेयर वाला कॉलम। सो यू कैन सी कि बहुत ज्यादा शिफ्टेड है टूवर्ड्स अपना लेफ्ट साइड, मतलब मीडियन Q1 Q2 सब बहुत कम है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बहुत कम है और बहुत सारे आउटलायर्स आपके डेटा में। जैसे ये नंबर देखो, किसी बंदे का फेयर इज $500 विच इज वे मोर देन अदर पैसेंजर्स फेयर, तो ये आउटलायर है। अगर आप इसके ऊपर रिलाई करने लग जाओगे ना तो बहुत गड़बड़ होगी, ठीक है। तो अगर आप एज के ऊपर भी प्लॉट करो तो यू कैन फाइंड कि ये हमारा एज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन वैल्यू इज समवेयर अराउंड 28, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, कैलकुलेटेड मैक्सिमम जो बोल रहा है वो है अपना 65 के अराउंड, और उसके ऊपर की वैल्यूज को बॉक्स प्लॉट कंसिडर कर रहा है एज पोटेंशियल आउटलायर्स। तो आप चाहो तो इन नंबर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही काम होता है बॉक्स प्लॉट का और आप इसको जनरली तब यूज करते हो जब आपके डेटा में नॉइज है या फिर आउटलायर्स है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक वाले तीन प्लॉट्स हो गए जो आप न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी प्लॉट्स होते हैं, जैसे कि वॉयलिन प्लॉट होता है, रग प्लॉट होता है, और भी बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, बट वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा बिकॉज वो आप हर बार यूज नहीं करते। अगर आप वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल पे सीबॉन का प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे मैंने सारे प्लॉट्स लाइन से डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब एक दो चीजें जो आप और कर सकते हो यूनिवेरिएट एनालिसिस में ऑन न्यूमेरिकल कॉलम, दैट इज आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता करना है DFH डॉट मिन क्या है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 0.42 कोई बच्चा जा रहा है, DFH डॉट मैक्स क्या है तो 80 ईयर्स है, DFH डॉट मीन क्या है तो यू कैन सी अराउंड 29 ईयर्स है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके पास हैं, ये फंक्शंस आपके पास हैं, आप STD निकाल सकते हो एज इन स्टैंडर्ड डेविएशन, आप वेरियंस निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर जो डिस्प्लॉट था इसमें मैं एक चीज डिस्कस करना भूल गया, वो ये है कि डिस्प्लॉट आपको ये भी बताता है कि आपका जो डेटा है उसमें स्क्यूनेस है कि नहीं। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, आई गेस आपने स्टैटिस्टिक्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा। आई जस्ट यूज माई पेन। सो या जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है जो एकदम सेंटर पे पीक कर रहा है तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब कम वाली वैल्यूज भी कम है, ज्यादा वाली वैल्यूज भी कम है, बीच वाली वैल्यूज ज्यादा है। शायद आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा कहीं पे, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी कभी क्या होता है कि डेटा कुछ ऐसा होता है, ऐसा मतलब कम वाली वैल्यूज ज्यादा है और ज्यादा वाली वैल्यूज कम है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया दुनिया में लोगों की सैलरीज, तो बहुत ज्यादा लोगों की सैलरी कम होगी और बहुत कम लोगों की सैलरी ज्यादा होगी, ठीक है। कभी कभी ये इस तरीके से स्क्यूड होता है, लाइक एक इजी टेस्ट में बच्चों के मार्क्स, बहुत कम बच्चों के कम मार्क्स आए, बहुत ज्यादा बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए। तो आप जब PDF प्लॉट करते हो तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि डेटा में स्क्यूनेस है कि नहीं, ठीक है, डेटा में स्क्यूनेस है कि नहीं। और स्क्यूनेस निकालने का एक और तरीका भी होता है कि आप डायरेक्टली पैंडास का एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्क्यू, और अगर ये एकदम परफेक्ट जीरो है तो वो परफेक्टली स्क्यूड है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है। अगर वो पॉजिटिव है नंबर तो दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड टुवर्ड्स राइट साइड, और अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये थोड़े स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे चैनल पे एक स्टैटिस्टिक्स का भी प्लेलिस्ट है, अराउंड 14-15 वीडियोस वहां पर है। अगर आप थोड़ा और डीप लेवल पे यूनिवेरिएट एनालिसिस करना चाहते हो स्पेशली ऑन न्यूमेरिकल डेटा तो आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना चाहिए, बट सिंस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है यहाँ पे मैं बहुत डीप नहीं जा रहा। बट व्हाट आई विल डू इज मैं आपको कुछ रिसोर्सेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सीबॉन का, मैटप्लॉटलिब का और स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट,
आप चाहो तो एक बार उनको आराम से देख सकते हो, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा चीजों के बारे में कि आप और क्या क्या कर सकते हो व्हेन यू आर डूइंग यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। बट ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको हर बार करनी होती है। सो अब अगर आप देखो गाइस, तो आप रियलाइज करोगे कि अब इस डेटा के बारे में आपको हल्का सा ज्यादा आइडिया है। आपने हर कॉलम को पकड़ा, अलग से उठाया और उसके ऊपर कुछ एनालिसिस रन किया, इसी को हम बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। और अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अपने पसंद का कोई भी डेटा सेट कैगल से उठाओ, कोई भी। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट का, फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल का, हैरी पॉटर पसंद है तो हैरी पॉटर का, बट ट्राई टू परफॉर्म यूनिवेरिएट एनालिसिस। और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस करना सीखेंगे, जो इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे ज्यादा चीजें आपको निकाल के देता है डेटा के बारे में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। If so, guys, please consider subscribing. Thanks for watching. Bye.